गोवंश की बिगड़ती दशा को लेकर गो सेवा समिति की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया जा रहा है। शुक्रवार को गो सेवा समिति के आह्वान पर दर्जनों साधु संतों व हजारों गोवंश जिला मुख्यालय पहुंचे और धरना स्थल पर सभा का आयोजन कर विशाल विरोध प्रदर्शन कर रैली भी निकाली गई। गो सेवकों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा व सीईओ मोहन दान रत्नू को ज्ञापन सौंपा गया। अखबार में पढ़ा है कि 30 करोड़ रुपए की राज्य सरकार ने घोषणा करी है। अभी एडीएम साहब को और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को हमने इस संबंध में पुनः ज्ञापन दिया कि गाय के मुंह में तुरंत चारा कैसे जाए। इन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि हम दो दिन में करेंगे। हमने कहा दो दिन हम और इंतजार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। और यहाँ गौ भक्त डटे हुए हैं, पूरे जिले से, प्रदेश से, अलग अलग जगह से और कई जगह से यहाँ लोग आए हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो 30 करोड़ रुपए आपने दिए, पैसों से पेट नहीं भरेगा, चारे से गाय का पेट भरेगा। तुरंत गाय के पेट में चारा कैसे जाए उसकी तुरंत व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो गौ सेवा में अपना जीवन लगा चुके हैं उन लोगों का अनुभव, उनका जीवन, उनको साथ में लेकर के इस काम को करेंगे तो त्वरित कार्यवाही होगी।